खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रदेश में नशे के कारोबारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्ती से निपट रही है और पहले जो नशे के कारोबार से जुड़े संबंधित कारोबार जो लोग नशे का व्यापार करते थे उनको पकड़ा जा रहा है। ये शब्द किशन कपूर ने धर्मशाला में मिनी सचिवालय में लोगों की समस्याओं को सुनने के उपरांत मीडिया से कहे। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में भी पुलिस ने नशे के व्यापारियों पर नकेल कसी हुई है, उसके लिए पुलिस प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश हैं कि नशे से संबंधित जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। किशन कपूर ने कहा कि 24 जुलाई को मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में 2 घंटे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि देखो सरकार आगे आगे क्या करती है, आपके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे बहुत ज्यादा गंभीर है ताकि जो हमारी नौजवान पीढ़ी नशे के प्रति आकर्षित हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत कांगड़ा जिला में इस साल 7,616 परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन की संख्या को ध्यान में रखकर और परिवारों को भी इससे जोड़ा जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की है। इस योजना से प्रदेश के 1,00,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडरों की जमा राशि और गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार हर गैस सिलेंडर पर 3500 रुपए का खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना देश की अपनी तरह की एक पहली योजना है। इस योजना के तहत इस वित्त वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। लोगों की मांग के अनुरूप और बजट मुहैया करवाया जाएगा। देखिए, नशे के खिलाफ सरकार सख्ती से, पहले नशे से संबंधित जुड़े हुए जो लोग थे जो इसका व्यापार करते थे, इसकी सप्लाई करते थे, उनको पकड़ा जा रहा है और बहुत सारे पकड़े गए हैं। एक नाइजीरियन भी पकड़ा है, हिमाचल प्रदेश उसकी बधाई की बात है, जो दिल्ली से पकड़ के लाए हैं। इस प्रकार से परसों भी हमारे जिला पुलिस अधिकारी ने एक जो सप्लायर था जिसके पीछे पुलिस डमटाल से पड़ी हुई थी उसको बवारना में पकड़ा गया। उसके पास से चिट्टा मिला, हेरोइन जो होती है, तो पूरी तरह मुस्तैदी के साथ पुलिस विभाग इसमें लगा हुआ है और हमारी सरकार इसके लिए सरकार के जयराम ठाकुर सरकार के ये आदेश हैं कि नशे से संबंधित जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। मेरी बात सुनिए कि वो जो इस किस्म के प्रावधान हैं पहले से हैं, सरकार उस पर भी विचार कर रही है क्योंकि 24 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें 2 घंटे इस पर चर्चा हुई है। सरकार देखो आगे आगे क्या करती है, आपके सामने आएगा। सरकार इसके लिए बड़ी गंभीर है ताकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जो इसकी ओर आकर्षित हो रही है उस पर अंकुश लगाए। जैसे पंजाब सरकार ने भी नशा पान जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर कड़ा प्रावधान किया है, उसको मौके से दी जाएगी, क्या सर प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, तो जो पंजाब सरकार का फैसला है और उन्होंने किस लक्ष्य में कह दिया वो मुझे जानकारी नहीं है, पर सरकार सख्ती से निपट रही है। जो भी नियमों में प्रावधान होगा किसी के साथ कोई भी ये नहीं किया जाएगा कि छूट दी जाएगी कि वो कारोबार करते हैं। उनसे सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार के जयराम ठाकुर सरकार के आदेश भी है पुलिस विभाग को कि किसी को इसमें दोषी को बख्शा नहीं जाए।